आइडेंटिटी कार्ड है जाकुर रोपवे के, ऑथराइज पर्सन है तो इनसे वहीं थार जो मैंने भी बुक किया है और सितंबर में शायद मेरी डिलीवरी होने वाली है। फाइनली हम माल रोड में आ चुके हैं और माल रोड से हम जाएंगे जाकुर मंदिर जो कि आगे से रोपवे है, और जैसे ही मैं रोपवे पे जाऊंगा तो वहां से लाइव करूंगा, तब तक बने रहिए। और ये रहा माल रोड का नज़ारा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये है माल रोड। एक सिनेमेटिक सॉफ्ट लेने का दिल कर रहा तो ले ही ले लो। जाकुर मॉल रोड जाने के लिए हमें टिकट यहीं लेना पड़ेगा। ये टिकट है 490 का और ये जाकुर रोपवे शिमला, तो हमें यही टिकट लेना पड़ेगा। और नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, आई डोंट नो भाई। हाँ बट हम टिकट लेके फिर आगे चलते हैं। 6 मिनट जाने में लगता है और 6 मिनट आने में लगता है, और बाकी आपकी मर्जी है, 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर घूमो फिरो, घूम फिर के फिर वापसी आओ। हर 6 मिनट के बाद रोपवे चलती रहती है। रोपवे जाने का रास्ता ये है, तो फिलहाल इनसे टिकट ले लेते हैं। और मॉल रोड आगे हमको जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें जाकुर मंदिर जाना है। और भाई साहब से टिकट लेके, और ये एक्चुअली ये वर्कर्स एम्प्लॉई आइडेंटिटी कार्ड है जाकुर रोपवे के, ऑथराइज पर्सन है तो इनसे टिकट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? कलम सिंह। नाम बहुत गजब गजब होते हैं हरियाणा हिमाचल प्रदेश एंड J&K में, तो इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, तक मैं इनसे टिकट ले लेता हूँ। फाइनली हमने टिकट ले लिया, हम चलते हैं रोपवे की तरफ। और रोपवे से आपको वहाँ से मैं लाइव करूँगा। ये रोपवे का रास्ता है जैसे कि आप देख रहे हैं, कितना दूर है? 10 मिनट का रास्ता है, आराम से जाएंगे ना आप, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे बस। तो 4-5 मिनट का रास्ता है, हम तो 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे, आपके लिए मैक्सिमम 10 मिनट। मेरे लिए 10 मिनट, इनके लिए 4-5 मिनट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खैर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर से लाइट आ रही है सूर्य, तो हम कोशिश कर रहे हैं किधर से। इधर से ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने गिम्बल को और ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है इसलिए थक जाता है आदमी सांस लेने में। और ये रास्ते बहुत ही, आप देख रहे हैं, बहुत ही गजब के रास्ते हैं। एक मेरा कॉल आ रहा है, पहले मैं रिसीव कर लेता हूँ, फिर आपसे दोबारा मुखातिब होता हूँ। अब रोपवे थोड़ा ही दूर है, बहुत ही ऊंची चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। खड़ी चढ़ाई है और हमारे पीछे जो है वो ब्राइट व्यू रिजेंसी है, जैसे कि पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ये ब्राइट व्यू रिजेंसी, यहाँ एक बहुत अच्छी थार लगी हुई है, वही थार जो मैंने भी बुक किया है और सितंबर में शायद मेरी डिलीवरी होने वाली है गाड़ी की। बहुत अच्छी गाड़ी और मुझे ही बहुत पसंद है। तो हम रोपवे के पास अब पहुँचने वाले हैं। थोड़ा लंबा रास्ता है, रास्ता तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन चढ़ाई ज़्यादा, और यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है क्योंकि शिमला की ये हाइट का इलाका है और हाइट में वैसे भी ऑक्सीजन कम होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम जो है वो हाई एल्टीट्यूड में गुजारा है, गुंजी गरब्यांग काला पानी जो कि इंडो नेपाल यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का 6 साल गुजारा है। तो अकॉर्डिंग यहाँ आ गया, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी, रास्ते अच्छे हैं लेकिन चढ़ाई खड़ी है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मेरे व्लॉग्स बहुत शॉर्ट्स हों, थोड़े छोटे हों, लेकिन हो नहीं पाते हैं क्योंकि मुझे बचपन से एक ही बीमारी है, डीप लर्निंग।
डीप एक्सप्लोरर, हर चीज मुझे डीप चाहिए। मैं छोटे काम अधूरे काम बिल्कुल नहीं पसंद करता। जब डीप लर्निंग होगी तब मुझे मजा आएगा। मैं जड़ तक जाने की हमेशा से कोशिश करता रहा हूँ। एज यूजुअल आज भी वैसा ही हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है जैसा कि आप देख रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा हो। बस हम थोड़ी देर में रोपवे की तरफ पहुंच जाएंगे। ये कोई गेट है, शायद होटल को बिलोंग करता हो। आई डोंट नो ये गेट किसका है। अभी तो यहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं। जाखू रोपवे, हाँ हम पहुँचे, बस हम पहुँचने ही वाले हैं जाखू रोपवे। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ से हमने ऊपर जाना है रोपवे से। आने और जाने का टिकट हमने ले लिया है और रोपवे से हम आगे वीडियो लाइव करते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है और मिररलेस नहीं किया मैंने, ये है जाखू रोपवे। ये इसका काउंटर है जिसका हमारे पास टिकट है और मैं भी बैक कैमरे से शूटिंग को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यह है जाखू रोपवे, ये हमारा टिकट है और हम जाखू रोपवे के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा थकाने वाला रास्ता ज़रूर था, क्योंकि आप एक साल या एक बार अगर ज़िंदगी में कभी कहीं किसी पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम हाई एल्टीट्यूड में गुजारते हो और पहाड़ों से चढ़ते उतरते रहते हो हमेशा। और इवन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि शिमला की जो मैक्सिमम हाइट थी 3206 वो मैं पैदल चढ़ चुका हूँ और इंडियन रिकॉर्ड टाइम में मैंने उसको क्लोज़ किया था। जो अभी तक 3 बजे तक लोग आते थे वो मैंने 1 बजे उसको क्लोज़ किया था और काफ़ी थक चुके और हम चढ़ने उतरने से पहाड़ों में, चूँकि मैं प्लेन्स का आदमी हूँ और प्लेन्स इलाके में ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मुझे ठंड बर्दाश्त भी नहीं होती और ठंड मुझे अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि मैं हैदराबाद में पला बढ़ा तो मुझे गर्मी ज़्यादा पसंद है। बट हम रोपवे के गेट पर आ चुके हैं और ये शायद भाई साहब ये रोपवे के ही स्टाफ लग रहे हैं। ये हमारा टिकट है, इन्होंने तो कॉल किया। हम ये रोपवे के लिफ्ट में आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ है जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़ है। बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हमें बहुत कुछ बहुत जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। आगे जाके हम लाइव करेंगे जैसे हम रोपवे के पास पहुँचेंगे, तब तक लिफ्ट मेरे साथ। तो फाइनली हमारी लिफ्ट हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच गई और हम ये लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिफ्ट क्लोज होकर जा रही है और हम आ गए रोपवे के बिल्डिंग में। अब यहाँ से हमें रोपवे ऊपर तक ले जाएगी। देखने में तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये सलमान भाई साहब हैं और अमिताभ बच्चन हैं, बट ऐसा है नहीं, ये इनकी मूर्ति है। और वैसे ये लोग मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि हम रियल लाइफ में जीते हैं और रियल लाइफ की कंपेरिजन करते हैं। यहाँ से काफ़ी फुल हो चुकी है और रोपवे के लिए शायद ये रास्ता जाएगा, पर हम पूछते हैं कि रोपवे में क्या डिले है और क्यों ऐसा है। किधर जाना है रोपवे के लिए, कितने लोग हैं? अकेला हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, यहाँ बैठे आप सामने। हाँ ये लोग जाएंगे उसके बाद आए सामने। ठीक है, हमारा नंबर थोड़ा लेट है तब तक मैं बैठ जाता हूँ। भाई साहब सब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं है, तब तक लिए बने रही मेरे साथ।